our one and only godfather. सो हेलो जी, नमस्ते जी, वड़कम जी। भाई लोग, आज हम गॉडफादर के टीजर का रिव्यू करेंगे। तो करना करते हैं भाई, लेकिन रुको जरा, सबर करो। तो टीजर एकदम बढ़िया है और बहुत से लोगों के तो जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो गया गुरु, सलमान और चिरंजीवी को एक साथ देखकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन एक डर भी है भाई, क्योंकि पब्लिक अभी भड़की हुई है और कहीं ऐसा ना हो कि सलमान की वजह से इसे भी बॉयकॉट लिस्ट में शामिल होना पड़े, जैसा कि अभी लाइगर के साथ हो रहा है। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी अगर टीजर की बात करें तो टीजर माइंड ब्लोइंग है गुरु। दो मेगा स्टार्स, दो फिल्म इंडस्ट्री का एक साथ होना आउटस्टैंडिंग है। काफी लंबे टाइम के बाद एक धांसू टीजर देखने को मिला है। सलमान और चिरंजीवी को सेम फ्रेम में एक स्क्रीन पर देखना, मेरे को तो अभी से गूसबम्स आ रहे हैं। और इस फिल्म के गूसबम्स को थिएटर में ही प्योरली एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसलिए आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि आप इसे थिएटर में ही देखें अगर आप इसका प्योर गूसबम्स एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो। चिरंजीवी की एंट्री पर पब्लिक एक्साइटमेंट से थिएटर का पर्दा भी फाड़ सकती है। पक्का ट्रेलर फ्लावर नहीं फायर होगा भाई, तो इस मूवी को फ्लावर समझने की भूल तो भूल कर भी ना करें। वैसे ये फिल्म मलयालम फिल्म लूसीफर का रिमेक है, जिसमें मोहनलाल लीड रोल में नजर आए थे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बॉलीवुड वालों, आज से बनता है रिमेक। टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, एक्शन है और पॉलिटिकल एजेंडा है, यही अभी तक पता चला है। बाकी इसका बीजीएम नेक्स्ट लेवल है। व्हाट अ म्यूजिक, क्या बीजीएम है, मेरा तो फेफड़ा हिल गया। बाकी आज चिरंजीवी का बर्थडे है तो कमेंट में विश जरूर करना और ये बताना कि टीजर आपको कैसा लगा, मेरे को तो जोर का लगा है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी एक नजर मार लेना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।